नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टिकोण के एक और एपिसोड में। आज तक हम लोगों ने जो है जब भी बातचीत की तो किसी एक व्यक्ति को बुलाया और उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न किया, किंतु आज हमारे साथ जो है गोयल जी और भार्गव जी दोनों उपस्थित हैं और आज हम दो तरफ के अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। भारत एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, ये हम एक बार में 18वीं शताब्दी में भी हैं और 24वीं शताब्दी में भी हैं। हमारी जनता की भी आकांक्षाएं जो हैं वो प्रांत प्रांत क्या कहा जाए, अलग अलग आर्थिक क्राइटेरिया को देखते हुए बदलती है। एक गरीब आदमी की कुछ और आकांक्षाएं हैं और एक अमीर व्यक्ति की कुछ और आकांक्षाएं हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति कुछ और सोचता है। तो ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करें तो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम जो है इन सारी चीज़ों को एक जगह समेट पाए। सवाल जवाब का जो है दौर हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे भार्गव जी। भार्गव जी, एक अजीब सी विडंबना बनी हुई है भारत में कि कितना कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप जो है अगर आप किसानों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पीछे छूट जाती है, इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो किसान पीछे छूट जाते हैं, मिडिल क्लास के बारे में सोचे तो गरीब गुस्सा होता है, गरीब के बारे में सोचे तो अमीर गुस्सा होता है। इतनी ज़्यादा विडंबनाओं के साथ क्या एक ऐसी नीति बनाना जिससे सभी कोई प्रसन्न हो जाए संभव है? ये तो वास्तव में काफ़ी मुश्किल काम है कि एक नीति ऐसी बन जाए कि जिससे सब सहमत हो जाएं और सब खुश हो जाएं। हम सिर्फ इतनी कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे सहमत हो जाएं और खुश हो जाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक तरफ असमानता की खाई है कि एक आदमी को तो उसी काम के लिए 50,000 सैलरी मिल रही है, 60-70,000 सैलरी मिल रही है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर 5-7,000 रुपये में वही काम आदमी कर रहा है, उतनी मेहनत कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी असमानता की खाई है जो मध्यम वर्ग को बहुत प्रभावित करती है और उसका अपना एक सोचना है कि भाई ऐसा क्यों है। और ये इसी तरीके से जो अलग अलग लोगों की सोच है वो एक समान सोच में पाना संभव तो नहीं है, बट इसकी कोशिश की जा सकती है, जी मेरा मानना है। गोयल जी, एक क्या कहा जाए, एक पूरा खुश देश जो है वो तो आज तक अमरीका भी नहीं बन पाया। अमरीका में भी जब गोरे खुश होते हैं तो काले भी गुस्सा हो जाते हैं, काले खुश होते हैं तो गोरे गुस्सा हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी जो अभी मोदी की नीतियाँ जो चल रही हैं उसमें अगर जो सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है या कोई एक ऐसी चीज़ जिसको क्या बोलें कि इसके चलते जो है इस नीति का क्या कहा जा सकता है आगे अगले 5 साल या 10 साल चलना और उचित है, वो सबसे बड़ी नीति क्या होगी आपके हिसाब से? देखो, मोदी जी जो है जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो प्रयत्न कर रहे हैं कि देश तरक्की पर कैसे लाया जाए। दिनों रात मेहनत करते हैं, जो कि अब तक के जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए मेरे ख्याल से किसी ने इतनी मेहनत नहीं की। आप ये देखिए, उनके जो खुद के भाई हैं या उनकी खुद की भतीजी हैं, उन्होंने उनको कोई सहयोग नहीं दिया, उनको ना देकर वो देश के लगे रहते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। अगर मैंने किसी के यहाँ जाना है, कुछ पूछना है, तो मुझे उसके घर जाऊँगा तो हो सकता है मुझे ज़्यादा उसका क्रेडिट मिले। अगर मैं फ़ोन पर बात करूँगा, किसी को भेजूँगा तो उसका क्रेडिट मुझे कम मिलेगा। लोग कहते हैं कि मोदी जी यात्रा ही करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो जाते हैं तो अब आप ये देखिए, पहले जो आदमी विदेश में एक आदमी जाता वहां पर अब 250 गुना जाता है, मतलब एक की जगह 250 लोग बाहर जा रहे हैं। पहले हमारे देश को कितने लोग जानते थे और अब कितने लोग जा रहे हैं। मोदी जी ने कितनी योजनाएं चलाई हैं देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, कि लोग आगे आए, कितनी योजनाएं उन्होंने चला रखी है। तो आपके हिसाब से विदेश नीति जो उनकी एक रही है, जो वैश्विक स्तर पर जो भारत की उन्होंने पहचान बनाने की कोशिश की है, वो एक बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता है। और आज हमें बहुत देशन जानते हैं, पहले हमें इतने लोग नहीं जानते थे। और पहले कितने प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने बाहर गए थे, नहीं गए उतने। और अब ये मोदी जी इतनी यात्राएं कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कितना खर्चा हुआ। एक प्रधानमंत्री में और एक चपरासी में बहुत फर्क होता है। जब एक प्रधानमंत्री जाएगा तो अपने हिसाब से जाएगा, एक पीएम जाएगा तो अपने हिसाब से जाएगा, खर्चा तो होता ही है। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है मेरी नज़र में, विदेश नीति की जहाँ तक हम बात करें, विदेश नीति पर इन्होंने बात उठाई है, तो विदेश नीति पर एक मिनट बात करके देखते हैं। ये बात तो सच है, इसमें तो आपको भी कुछ हद तक मानना पड़ेगा कि वैश्विक स्तर पे जितनी पहचान हमारी थी पहले या जो महत्व हमें मिलता था,
लेकिन ये महत्व मोदी के चलते आया है या हमारी जो इकोनॉमी ग्रो की है पिछले 15-20 सालों में जो लिबरलाइजेशन के बाद से नरसिम्हा राव के, उसका इम्पैक्ट है, ये है क्या? नहीं देखिए, पहले तो मैं इसी बात से सहमत नहीं हूँ कि इस समय विदेशों में हमारी ज़्यादा कद्र हो रही है या विदेश नीति सफल है, क्योंकि आप ये देखिए कि आज नेपाल से हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, चीन से खराब हुए, पाकिस्तान से खराब हुए, तो ये सफलता तो नहीं कही जा सकती, अभी अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले दिनों मालदीव से भी खराब हुए, तो कहने का मतलब कि जो एक कूटनीतिक बात समझी जाती है कि मोदी जी जाते हैं गले मिलते हैं तबाक से किसी से, एक वही कूटनीति नहीं कहलाती, बल्कि हमारे संबंध लंबे समय तक अच्छे बने रहे, दूसरे देश से समझें कि भारत से संबंध हमारे हित में हैं। हम मोदी जी का अक्सर एक जन समुदाय को संबोधित कर देते हैं जो भारतीय होते हैं, वहाँ पर जाकर उनको संबोधित कर देना, प्रशंसा तो मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन अगर आप ये देखें कि थोड़ा सा हम अगर तुलना करें कि क्या पिछली सरकारों की तुलना में मोदी जी की नीति ज़्यादा सफल है, विदेश नीति ज़्यादा सफल है, तो मैं कहना चाहूँगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कि अभी अमेरिका में जो है हमारे जो मंत्री हैं उनसे बात करने से इनकार कर दिया गया, और अमेरिका अपनी बात को हमेशा आगे लेकर रखता है, हालांकि मोदी जी अमेरिका के पीछे गए हैं और हमेशा मतलब कोशिश की है कि अमेरिका हमारी बातों को सुने। ट्रंप के हम भक्त रहे हैं, ट्रंप को बहुत महत्व दिया है, लेकिन जो आशाएं थी बराक ओबामा से भी काफ़ी अच्छी वो थी, क्या कह सकता है, समीकरण था मोदी और बराक ओबामा का भी समीकरण बिल्कुल बहुत अच्छा था। इससे पहले किसी भी दो राष्ट्राध्यक्ष भारत और अमेरिका के इतने अच्छे समीकरण पे खड़े नहीं करते। हाँ, वो एक मेरे ख्याल से दौर था। ट्रंप के आने के बाद तो वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, बहुत अनिश्चितताएँ अनिश्चितताएँ आ गई हैं, किंतु ओबामा के समय में तो मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अभी आप देखें एक चीज़ मैं इस पर काउंटर करूँगा कि एटलीस्ट पाकिस्तान को जो अंधा सपोर्ट अमेरिका देते आ रहा था मनमोहन की सरकार खत्म होने तक, ऑलमोस्ट अंधा सपोर्ट था, जबकि बराक ओबामा उस समय भी प्रेसिडेंट था, लेकिन उसमें एक सर्टेन शिफ्ट ज़रूर करा दिया है मोदी ने आज की डेट में, कि अमेरिका को ये रियलाइज़ कराना कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर उसके लिए पाकिस्तान नहीं है। ये रियलाइजेशन मेरे ख्याल से जो है मोदी के आने के बाद ही आया है अमेरिका में, भले ही वो अफगानिस्तान के परिस्थिति के चलते आया हो या मोदी के एफर्ट के चलते, लेकिन ये चेंज मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आया मोदी के कार्यकाल में ही। नहीं, आपकी बात बहुत सही है कि मोदी के कार्यकाल में ही ये चेंज आया है, लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका खुद आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या से खुद परेशान है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में गतिविधियां ज़्यादा दिन चले, तो इसके चलते एक कड़ा फैसला और पाकिस्तान को ये संदेश देना ज़रूरी था कि सिर्फ इस कारण से कि आप एशिया के देश हैं और भारत जैसे चीन जैसे देशों से हमें थोड़ा सा मतलब जो है एक चैलेंज मिलता है और हम आपका साथ देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अब हम पीछे हट रहे हैं और मतलब उतनी सहायता जैसे कभी पाकिस्तान को दी जाती थी, दिल खुलकर अमेरिका सहायता देता था, अब हाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि अब अमेरिका उससे काफ़ी अलग हट गया है और अब उतनी सहायता उतना सपोर्ट पाकिस्तान को वो कहीं से नहीं दे रहा है। अब आते हैं हम लोग, क्या हम लोगों को एक लीडरशिप मेंटल जो मिलना चाहिए था, देखिए नेपाल इस समय जो है प्रयत्न कर रहा है चीन के पोर्ट्स का इस्तेमाल करने का, सिमिलरली जो है क्या कहा जाए जो मालदीव्स में हुआ, जो नया पूरा वहाँ का परिवेश आया उसमें भी हम लोग कहीं कुछ पीछे छूट गए चीन से, तो ये बैलेंस एक अजीब सा है, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर इतनी समस्याएं हैं कि मोदी बहुत हद तक उसमें भी सिमट के रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो अभी जातिगत रिजर्वेशन हो चाहे कुछ हो, मोदी जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जिनका एडवांटेज था कि वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते थे उनकी जो क्या कहते हैं उनकी जो नीतियाँ थी या उनके जो विचार थे वो कम्युनिकेटेड होते थे, सामने वाला व्यक्ति जानता था कि वो क्या सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो अपनी नीतियों को बेच क्यों नहीं पा रहे हैं जनता के बीच में, इज इट टू बिजी टू कम आउट एंड सेल? नहीं, अनुभव में क्या है कि पाकिस्तान और चीन भारत के कभी दोस्त नहीं रहे, वो हमेशा पीछे से वार करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप देखिए पाकिस्तान कभी भी सपोर्ट नहीं करता, कहता कुछ है करता कुछ, वही चीन का हाल है। चीन कभी तो वो डोकलाम में सड़क बनाता है, कभी नेपाल जाकर रोड बनाता है,
अब आप ये देखिए, जब भूकंप आया था यहाँ पे भुज में, तो चीन में सफर से जो आया था, जो जहाज जो आया था, उसमें क्या था? जब भी कोई एक घटना घटती है, आप 26/11 देख लीजिए, तो वहां पर जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? यहाँ पर जो कांग्रेस की जो पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करती है, वो हमेशा अगेंस्ट ही रहती है। लोग कांग्रेस ने जितनी भी पॉलिसियां बनाई हैं, वो हमेशा देश को डिमोलाइज करने के लिए बनाई है। आप बताओ कौन सी ऐसी उन्होंने पॉलिसी बनाई कांग्रेस में जो देश को आगे ले जाए? आप नरेगा पॉलिसी ले लीजिए, उसमें लोगों को जो घर बैठे खाना वाले काम करने कौन जाएगा? लोग काम करना नहीं चाहते। वैसे भी हमारे यहाँ के यंगस्टर जो है कहाँ काम करते हैं, आप ये बताइए। अगर कोई ट्रेजेडी होती है, तो हमें दुख इस बात का नहीं, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। दुख हमें इस बात का हो रहा है जो कंट्रीब्यूशन आता है वो लोग खा जाते हैं। हम लोग मेहनती कहाँ है? आप जापान में देख लीजिए, 3 साल का बच्चा प्लेन बना लेता है, हमारे यहाँ 3 साल का बच्चा अंडरवियर नहीं बन सकता। और दूसरी बात आप देखिए, मोदी जी के बारे में लोग अनर्गल बातें करते हैं। आप भाई अगर 3 साल के बच्चे से पूछो मोदी का, बोल मोदी मोदी बनाया लगाएगा, इसका मतलब मोदी जी में कुछ तो है ना। लेकिन एक जो सबसे बड़ा क्या कहा जा सकता है सवाल ये उठता है, जैसे आज मैं हूँ, ठीक है, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति हूँ, ठीक है, हर महीने कमाता हूँ, हर महीने खाता हूँ, जिस महीने नहीं कमाऊँगा उस महीने नहीं खाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में जब कोई आप एक नीति बनाते हैं या कोई एक परिवर्तन होता है, जैसे पेट्रोल की कीमतों का परिवर्तन, नहीं पेट्रोल की कीमतें क्या कांग्रेस 2013 में देख लीजिए, अभी न्यूज थी, एक जो बिल दिखाया था मेरे ख्याल से किसकी था, तो हर एक चीज अपनी जगह पर है, किंतु ये भी सच है कि 90 रुपए के ऊपर कीमत पेट्रोल की आज तक कहीं भारत में नहीं गई थी। 83 रुपए आप बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में था, मान लेता हूँ, किंतु 90 रुपए के ऊपर जो है आज तक भारत में पेट्रोल की कीमत नहीं गई थी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था, कि अगर मुझे ये बता दिया जाए कि भाई ये 90 रुपए की कीमत जो है आपको इतने दिनों तक झेलनी होगी, इन कारणों से झेलनी होगी, ठीक है, इन कारणों से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर भी समझ सकता हूँ। नहीं, क्या होता है कि जब कीमतें बढ़ती है हर चीज की, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टैक्स का रेवेन्यू जो आता है वो गरीब जनता के लिए होता है। हम ये क्यों सोचते हैं कि देश, इसका मतलब देश प्रगति कर रहा है, देश आगे अग्रसर हो रहा है, कि अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो इसका मतलब देश का नुकसान हो रहा है, अगर हम सस्ती कर देंगे तो देश का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। हम ये ना कुछ ये क्यों सोचते हैं, अगर कोई चीज महंगी हो रही है इसका मतलब देश के अपोजिट नहीं है, देश के फायदे में है। तो सवाल यही उठता है कि देश के फायदे में महंगा होना किसी चीज का जो है, वही मेरा पॉइंट एग्जैक्टली वही है कि अगर ये बात जो है हमें समझाई जाए मोदी जी के द्वारा आकर के टेलीविजन पर, कि ये कदम उठाए गए, ये किया गया। अब जैसे सबसे बड़ी बात है, इस बात पर मैं भी एक सेकंड के लिए बोलना चाहूँगा, जिस समय 72 रुपए पेट्रोल था हिंदुस्तान में, उस समय उस 72 रुपए के ऊपर 30 रुपए का सब्सिडी मिली, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग द पेट्रोल प्राइसेस वेर 102 रुपीज। 72 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं, सरकार 30 रुपए का उस पर सब्सिडी दे। कहने का अर्थ क्या हो गया कि कुल मिला करके आप जो है 102 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं, बिकॉज 30 रुपए आपके टैक्स जो आप दे चुके हैं उसमें से कट रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर सब्सिडी हटने के बाद 90 रुपए पेट्रोल की कीमत, तो फिर भी वो 102 रुपए से कम है, बिकॉज आज की डेट में पेट्रोल पे कोई सब्सिडी नहीं है। तो एक बिना सब्सिडी वाले पेट्रोल प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं अगर राहुल जी आकर के एक सब्सिडाइज पेट्रोल प्राइस से, इज दैट फेयर? नहीं, फेयर नहीं है। फेयरनेस तो तब होगा जब यू कंपेयर एप्पल विद एप्पल्स, एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर करने का तो कोई फायदा है नहीं। तो कई जगहों पर जो है हम ये भी देख रहे हैं, लेकिन समस्या देखिए, बात ये नहीं है कि क्या सही है या गलत है, हो सकता है कि भारत के हित में हो कीमतों का बढ़ना। और मैं इस बात से मतलब क्या कह सकता है, नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। सवाल ये उठता है कि ये बताएगा कौन है? हाँ, जो प्रधानमंत्री पिछले प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा था कि वो मौन व्रत धारण करके रखते हैं और अपने कारणों को नहीं समझाते हैं, वो आज खुद कारण नहीं समझा रहा। नहीं, आप ये बताइए, किसने ये बताया कि आगे क्या होने वाला है? क्या कांग्रेस ने बताया कि अगर ये आगे रेट क्यों किस कारणों से बढ़ रहा है? अब बीजेपी तो हर कोई एग्जाम क्यों लगाता है, कभी कहते हैं अच्छे बनाएंगे। नहीं, आप मोदी ने ये एक्सपेक्टेशन दिलाया है ना हमें। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन क्या था कि अच्छे बनाएंगे। अब अच्छे दिन कांग्रेस ने 6 दशकों तक काम किया, क्या अच्छे बनाए? अगर अच्छे दिन पहले ही आए हो तो आज ये पोजिशन नहीं होती। लेकिन एक कंट्री जो कि फूड
क्या कह सकता है शॉर्टेज से गुजरती थी एक जमाने में। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा सर से, ये पूछना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता रहता है और ये अच्छे दिन वाला नारा बहुत चला है, जनता के दिमाग में है अब तक। मोदी जी से बहुत उम्मीदें भी थी कि कुछ करके दिखाएंगे, कुछ देश को पटरी पे लाएंगे, तो मैं अब तक उलझा हुआ हूँ कि ये अच्छे दिन आखिर आए किसके हैं, अच्छे दिन वास्तव में किसके आए हैं। मुझे तो जहां तक लगता है कि जो चंद सरकारी नौकर हैं उनके अच्छे दिन आए हैं एक तो, और एक जो मोदी जी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के अच्छे दिन आए हैं। बाकी आम जनता मध्यम वर्ग तो इतना पिसा हुआ है कि मैंने मार्केट्स का सर्वे किया, करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, ना तो जनता के पास इतनी कैपेसिटी बची खरीदारी कर सके। आप दुकान में चले जाइए वो कहेगा आज से 3-4-5 साल पहले जो स्थिति थी मेरी दुकान भरी रहती थी, अब यहाँ पर खरीदार नहीं है। यानी लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी डाउन हो गई नोटबंदी के बाद कि लोग खरीदने की हालत में नहीं है चीज़ें, और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप खुद सर्वे करें तो आपको खुद यही बातें सुनने को मिलेंगी। भारत में दूसरी बात, आपको आरबीआई का पता होगा, आरबीआई ने अभी जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार 99% नोट वापस आ चुके हैं। कहने का मतलब जो ब्लैक मनी की बात हो रही थी कि ब्लैक मनी व्यवस्था से बाहर कर दी जाएगी, वैसा नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा आप इसमें क्या कहते हैं। भारत जी कहने का मतलब है कि बीजेपी दोषी हर चीज के लिए, मतलब यह है कि मान लो नोटबंदी अगर की तो देश के हित में नहीं हुई क्या? अगर मान लो कोई भी किसी चीज में बैठा गया तो उसके लोगों को थोड़ा बहुत फायदा तो होना ही है। अब क्या है कि हम लोग एक दूसरे लेग पुलिंग करते हैं। नहीं करते हैं अच्छे दिन। भारत जी आप ये बताइए, पिछले 50-60 साल में अगर अच्छे दिन नहीं आ पाए तो आप 4 साल में मोदी जी कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? अगर पहले ही अच्छे दिन आए होते तो आज ये पोजीशन नहीं होती, देश के हाथ में कटोरा है क्या पता है आपको? नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। नहीं, अब आप कहते हैं जॉब रही काम की बात, तो काम अगर पहले था, अगर कोई भी काम अच्छा किया जाए थोड़ी परेशानी जरूर आती है। अब नोटबंदी की बात है तो नोटबंदी में कौन से इतने सही लोग कितने थे जो लाइन में लगे हुए थे? आप बताइए कितने मीडिया आदमी थे? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई बिल्कुल, लेकिन आपको प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? वहां पे जिनके यहाँ 10 लोग काम करते सबको लाइन में लगा दिया, राहुल जी लाइन में पहुंच गए, सारे लाइन में पहुंचे, मीडिया आदमी कितना था जो लाइन में लगा हुआ था आप बताएं मेरे को? नहीं, तो यहाँ तो आप उसी चीज को मजबूत कर रहे हैं। कहने का मतलब जो ब्लैक मनी वाले थे वो उस समय भी हावी थे, वो अपना ब्लैक मनी को व्हाइट करा के ले गए और परेशानी आम आदमी को हुई, आम आदमियों की मौतें हुई उस लाइन में लगकर। चीज ये उठती है कि अगर जो है उस समय एक चेक एंड बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मान लिया जाए कि हम नोटबंदी कर रहे हैं तो उसके पहले सूक्ष्म तौर पे अगर हम जानते कि किन हरकतों को पकड़ने पर हमें ब्लैक मनी पकड़ में आ गई। जैसे एक चीज पकड़ में आई ब्लैक मनी की जो कि अभी तक सामने नहीं आई है पूरी तरह से, जो 99% नोट आए हैं वापस उसमें से करीब 12 या 13% नोट ऐसे अकाउंट्स में हैं जो अकाउंट एक्चुअली जीरो बैलेंस या क्या कह सकते हैं मुफसिल अकाउंट, ठीक है, और वहाँ वो व्यक्ति को अब उन अकाउंट को फ्रीज करके रखा गया है कि उस व्यक्ति से ये पूछा जा रहा है कि आप जो पिछले 10 सालों से जीरो बैलेंस मेंटेन किए हुए कहां से आया था? आपके पास ये 3 लाख रुपए जमा करने के लिए उस समय आए कहां से, ठीक है, तो वो जो पैसा फ्रीज करके रखा हुआ है वो अभी तुरंत तो ऑब्वियसली ब्लैक मनी से वाइट नहीं हुआ, लेकिन वो पकड़ में आया हुआ मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये भी अच्छी बात है। एक मेरा एक सबसे पहली चीज क्या है, और इससे इसका एक अभी बीएसएफ के जो वो हैं हेड हैं चीफ है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक वक्तव्य दिया है इसको डिमोनेटाइजेशन को लेकर कि डिमोनेटाइजेशन से देश को क्या फर्क पड़ा ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बीएसएफ को ये फर्क पड़ा है कि जो नकली नोट आते थे बॉर्डर के थ्रू वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जो नए नोट हैं वो सिक्योरिटी नोट्स बेटर हैं, इनको रिप्लिकेट कर पाना जो है टफर जॉब है कंपेयर टू जो हमारे पुराने नोट चल रहे थे उनके मुकाबले। तो इसके चलते वो बोल रहे हैं कि बीएसएफ वाले ने कहा कि हमारा जो एक तंत्र फैला रहता है कि नकली नोट जो नेपाल के रास्ते से और बांग्लादेश के रास्ते से हिंदुस्तान में एंटर करते थे, उस तंत्र को अब ये लग रहा है कि जो नकली नोट की तादाद जो थी वो बहुत ज़्यादा घटी हुई है आने वाली बाहर से। तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदे, देखिए कुछ फ़ायदे तो आदमी अब इस तरह से अगर आप देखें तो नरेगा और मनरेगा जैसे जो तमाम चली योजनाएं, इसका भी फ़ायदा कुछ परिवारों को तो मिला ही है, कुछ परिवार तो भूख से मरने से बची गए। नहीं, ये मनरेगा तो वैसे कांग्रेस की चलाई हुई योजना है बिल्कुल, और मोदी जी भी इसका महत्व समझ रहे हैं और वो भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मनरेगा के साथ एक जो सबसे बड़ा फॉल्ट था मेरे हिसाब से, विच आई थिंक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मनमोहन सिंह, कि इसमें
द अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी और द अमाउंट ऑफ जो चेक्स होने चाहिए थे वो नहीं थे. द फैक्ट रिमेन्स दिस, एक अच्छा खासा पैसा जो आपको लो या हमको लगता था कि गरीबों के हाथ में जा रहा है, वो राजीव गांधी की स्थिति में ही था. 50 पैसा जो है शुरू में ही रुक जाता था और पहुंचते पहुंचते वो 5 पैसा ही बचता था रुपए में. ठीक है, तो वो जो एक मेरे ख्याल से मोदी की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मुझसे पूछिएगा आप, तो वो है सब्सिडी मैनेजमेंट. व्हाट ही हैज चेंज्ड इन इंडिया इज सब्सिडी मैनेजमेंट. सब्सिडी मैनेजमेंट में डायरेक्टली पैसा, अब गैस सिलेंडर की बात है, मेरे पड़ोसी जो हैं वो गैस सिलेंडर लेकर के रखे हुए हैं, लेकिन उनके साथ है क्या कि ही इज अ लोनर, अकेले व्यक्ति हैं, तो साल में अगर 4 गैस सिलेंडर 5 गैस सिलेंडर भी ले लेते हैं तो उनका काम निकल जाता है, क्योंकि अधिकतर समय वो बाहर खाते हैं. घर में चाय बनाना और नाश्ता सुबह का बस उतने ही भर का उनका रहता है. ठीक है, अब उनका जो गैस एजेंसी वाला है वो उनके 5 गैस सिलेंडर जो है हर साल बेच देता है. वो अंडरस्टैंडिंग है उनकी कि तुम बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, आई टेक ओनली 5 सिलेंडर, बाकी जो है वो तुम बेचना चाहो तो बेच दो. मजेदार चीज़ ये है, बेचता वो है, फायदा इनको होता है. हर बार जो 1 सिलेंडर बिकता है तो 300 रुपये की जो सब्सिडी है वो इनके अकाउंट में आती है. ये तो फायदा हुआ ही. हाँ, बिल्कुल. अनुपम जी, आप तो इसको उनकी बात करेंगे, लेकिन हम फैमिली में 3 मेंबर है, हमारे यहाँ 5-6 सिलेंडर आते हैं. ये डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन. जो हमारी मिसेज है वो बहुत ही स्लो गैस में खाना बनाती है, हम 5-6 सिलेंडर ही यूज करते हैं पूरे साल में, तो फायदा उसको होता है और सब्सिडी हमारे अकाउंट में आती है. तो आदमी व्यक्ति जो है ये एक, इसमें कम से कम ये तो हो गया कि जो जेन्युइन व्यक्ति है जिसके नाम से सिलेंडर बिक रहा है सब्सिडी उसी को मिल रही है, चाहे सिलेंडर कोई भी यूज करे. नहीं, वो तो एक प्रशंसा की बात है, चेकआउट है ऐसी चीजों पर. और ये चीजें जो है मेरे ख्याल से ज्यादा चीजों पर लागू की जा सकती है. बिल्कुल, अगर आप पेट्रोल की भी बात करें तो हर व्यक्ति को जो है अपना एक कार्ड मिल जाए, पेट्रोल कार्ड गाड़ी के साथ. हर व्यक्ति जो गाड़ी मेंटेन कर रहा है वो जहां से गाड़ी खरीदा है वहां से जाके एक पेट्रोल कार्ड खरीदे, उस पे एक सर्टेन नंबर ऑफ सब्सिडाइज्ड पेट्रोल आपको मिलेगा. वो भी कैसे मिलेगा कि आप दीजिएगा पूरा पैसा और उसकी जो सब्सिडी का अमाउंट है वो आपके अकाउंट पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा. तो अब मान लिया जाए आप मेरा कार्ड लेकर के जाइएगा तो पैसा तो आप पूरा दीजिएगा, सब्सिडी आप लेगा. सब्सिडी हर हाल में आने वाले टाइम में मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए, जो भी सब्सिडी है ना वो डायरेक्ट जिसको अकाउंट होल्डर उसके अकाउंट में ही आनी चाहिए, जिससे वो बेनिफिशियरी होना चाहिए. लेकिन इसके साथ है फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि अगले 10 सालों तक इस तरह की नीतियां अगर चलनी जरूरी है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, तो क्या जिस तरह की आज कंटेंचुअस राजनीति हो गई है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के अच्छे कामों को याद नहीं करती, एक पार्टी दूसरे पार्टी के अच्छे कामों को क्रेडिट नहीं देती है, इस परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि ये नीतियां आने वाली सरकार चलाएगी? नहीं, मुझे देखो ऐसा लगता है कि हम क्या एक दूसरे की लैग पुलिंग करते हैं, हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है. लेकिन इसमें ये भी चीज उठती है कि मोदी जी भी तो जो है कोई अप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने जो मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया. मनमोहन सिंह की किस चीज की तारीफ की उन्होंने? सवाल ये तो बात दोनों पे लागू होती है. ये बात यही मेरा प्रश्न, देखिए आप दोनों को बुलाने का एक सबसे बड़ा जो वो है, अगर हम खुले दिमाग से सोचे या अगर हम बात करना शुरू करें तो आप दोनों व्यक्ति की विचारधारा में एक चीज समान है कि दोनों व्यक्ति इस बात से जो है चिंतित हैं कि ये देश आगे कहाँ जाएगा. और दोनों व्यक्ति के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है, आशा और निराशा. ठीक है, ये व्यक्ति अभी तक मोदी से आशा बांध के बैठे हैं और आपने पिछले 4-5 सालों में जो एक्सपेक्ट किया था मोदी से वो न होने के चलते आपको एक निराशा सी आ गई है. मोदी के जिस समय पावर में आए थे उस समय एक आम भारतीय चाहे वो उनको वोट करे चाहे न करे आशान्वित तो जरूर था. वो काफी आशान्वित था आम आदमी कि मोदी जी जो है जो कार्य अब तक नहीं हो पाए और पिछली सरकारों से जो हम लोगों ने आशाएं लगाई थी वो टूट गई तो वो मोदी जी उनको जीवित रखेंगे. इसीलिए निराशा और ज्यादा होती है कि जिस इंसान को हमने अपना नायक समझा था और जो देश को एक गति देने वाला था वो सारी बातें कहाँ खो गई. मैंने आपसे पिछली मुलाकात में भी ये कहा था कि जितना हमें दिल्ली में साफ तौर पर नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, उतना भी देश के लेवल पर मोदी जी के मामले में नजर नहीं आ रहा कि कुछ ठोस हुआ हो. सिर्फ वादे हुए हैं, चर्चाएं हुई हैं, आत्म प्रचार हुआ है, इससे ज्यादा रैलियां हुई हैं और
एक मीडिया पर पूरा पकड़ में आ चुका है, वो जो मीडिया एक कब्जे में है ऐसा लगता है कि मीडिया भी खुल के नहीं बोल पा रहा है, उसका भी गला दबाया हुआ है। तो ये ना, ये अभी देखने को मिला है, इससे पहले मीडिया इतना कभी भी मतलब लाचार नहीं दिखा जो मोदी सरकार के कार्यकाल में दिख रहा है। तो आपसे एक सवाल, अब परिस्थिति ये बनती है कि यदि मोदी 5 साल और चुने जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं जो आप कह रहे हैं कि 50 साल और 5 साल का जो है कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, कि 50 साल में जो चीज़ें नहीं हो पाई वो 5 साल में कैसे होंगी, ठीक है, त्वरित तौर पर नहीं हो पाएंगी, बहुत तेज़ी से नहीं हो पाएंगी। अगर मोदी को 5 साल और मिलते हैं तो किन जगहों पर आपको लगता है कि मोदी सक्सेसफुल? मोदी जी आगे आने वाले 5 साल में थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखो जितनी अब पहले सफलता मिली है, ऐसा नहीं है सफलता नहीं मिली है, ये अपना अपना नजरिया है। अब मान लो हम कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो पहले बिजनेसमैन जो थे, आप ये बताइए कि कितने यहाँ पर बिजनेसमैन हैं जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को? अगर आप देखोगे तो 95% बिजनेसमैन ऐसा है कि जो गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं देता है, तो मोदी जी क्या करेंगे उसमें? लोगों के काम मोदी जी ने बंद नहीं किए, लोगों ने खुद बंद किए हैं। अगर हम घर से निकले कुछ ना कुछ तो करना चाहिए हमें, इसके लिए मोदी जिम्मेवार नहीं है कि अब ये जीएसटी आ गया, जीएसटी में क्या परेशानी, किसी को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप माल खरोगे तो आपको उस रिफंड मिलता है उस चीज का, जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। उस रिफंड का जो है दुरुपयोग तो बहुत बुरी तरह से किया गया था, दिल्ली और गुड़गांव के बीच में जो है माल को आपस में बेच बाच करके जो है काफी दुरुपयोग भी हो रहा है जीएसटी। नहीं देखो, कोई भी हो तो दुरुपयोग कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत होता ही है, प्लस माइनस तो लगा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी कांग्रेस की बनाई हुई पहले नीति, फिर मोदी ने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो कुछ गलत नहीं किया। ये कोई भी चीज अगर अच्छी की जाती है तो थोड़ी परेशानी जरूर होती है, अब परेशान सिर्फ वो है। अब इसमें यही पर मैं एक सवाल करूंगा कि अगर जीएसटी का श्रेय जो है मोदी जी अपने सर पे न लेकर के मनमोहन जी के साथ बांट लेते तो राहुल और अन्य व्यक्तियों को शायद अटैक करने का इतना मौका नहीं मिला। नहीं नहीं, राहुल जी को तो सिर्फ मौका चाहिए अटैक करने का। राहुल जी तो हर बात उल्टी ही बोलते हैं। अभी देखो वो जब ये लंदन गए हुए थे राहुल जी, तो उन्होंने इतना झूठ बोला, कोई भी एक बात सही नहीं बोली। राहुल जी जब गए थे तो वहां पर पहले बोला गया जो सरकार प्रेजेंट सरकार है उन्होंने ऐसा रूल बना दिया कि एसटी को उसमें कोई सहूलत नहीं मिली, जबकि मोदी जी एक विधेयक लेके आए सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट और उनको ज्यादा रिलीफ बनाई। दूसरी बार राहुल जी ने बोला कि चीन जो है 50,000 नौकरियां एक दिन में पैदा करता है और यहाँ की सरकार 450 नौकरी पैदा करती है, जबकि 2016-17 में 4,16,000 नौकरियां दी गई हैं जो कि 1100 से ज्यादा बनती हैं एक दिन की। राहुल जी को कुछ समझ में आते नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। फिर उनसे एक इंटरव्यू पूछा गया, नहीं यहाँ पर सर सवाल पूछना चाहूंगा कि 4,16,000 नौकरियां कितने दिनों में मोदी जी ने उपलब्ध करवाई? एक साल में। तो जहां पर 1.25 करोड़ की जनसंख्या है वहां पर 4 लाख नौकरियां आप ये देखिए मोदी जी को क्यों दोषी ठहराते? आप कांग्रेस के उसमें देखिए कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी गई थी, क्या आपने ये क्वेश्चन तब रेज किया? नहीं, सवाल तो ये कि हम मोदी जी को इसीलिए तो लाए हैं कि उनसे कमियां रह गई। नहीं तो मोदी जी क्या उन कमियों को दूर करने में सफल? अभी आजम खान का बयान था मोदी ने 12 करोड़ 10 करोड़ नौकरियां देने का, क्या किसी भी गवर्नमेंट ने 10 लाख नौकरी दी? किसी भी चीज में थोड़ा टाइम लगता है, मोदी जी ऐसा नहीं सारा काम एक साथ ही कर देंगे, इट विल टेक सम टाइम। किसी भी चीज को टाइम लगता है, जल्दी कोई सही नहीं हो सकता। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है इस पर। आई कम टू यू कि हमारे देश में जो है हम लोग न जाने क्यों, ये एक मानसिकता सी है हमारी कि कांग्रेस के साथ तो बड़े पेशेंट रहते हैं। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, कांग्रेस के साथ हम बड़े पेशेंट रहते हैं, लेकिन हम केंद्र में कभी भी आज तक गैर कांग्रेसी सरकार को लगातार 2 बार नहीं चुना है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि मतलब कांग्रेस को ही जनता चाहती है कि भाई कांग्रेस ही आए, और कांग्रेस से कोई ऐसी वाली बात है कि भाई यही पार्टी जो है मतलब रूल कर सकती है। बहुत उम्मीदों से हम मोदी जी को लाए हैं क्योंकि मोदी जी ने एक सफल कार्यकाल गुजरात। एक चीज तो माननी पड़ेगी ना कि 5 साल एक कोई भी, अब ये हिंदुस्तान तो एक ऐसी जगह है जहां पर एक फ्लाईओवर अगर आप जो है नींव रख दीजिए तो बनते बनते 5 साल निकल जाता है। बिल्कुल टाइम लगता है ऐसी चीजों में, जो हमारे यहाँ तो फ्लाईओवर बनने में 5 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी योजना हम दीर्घकालीन ना लेते, हमारे हाथ में होता है ठेकेदार और सरकार मिल करके किसी भी योजना को दीर्घकालीन बना सकते हैं। दीर्घकालीन बना लेते, ठीक है। तो
ऐसी परिस्थिति में आपने अटल जी को दो लगातार टर्म नहीं कि जो उन्होंने शुरू किया उसे वो खत्म कर सके। आपने जो है जगजीवन राम को दो लगातार टर्म नहीं दी कि जो वो शुरू कर रहे हैं वो खत्म कर सके। आपने जो है इवन पीवी नरसिम्हा राव को भी लगातार दो टर्म नहीं दिए कि जो वो शुरू कर रहे हैं वो खत्म कर सके। आपने जो है अब जहां तक लग रहा है अगर मोदी को आप हटा देते हैं तो मोदी को भी आप दो टर्म नहीं दे रहे हैं कि वो जो चीज शुरू करें वो खत्म कर सके। मनमोहन को आपने दो टर्म दिए थे कि वो जो चीज शुरू करें वो खत्म कर सके, मिला था एक 10 साल का अरसा एक काम को शुरू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस मैं सहमत हूँ, हर चीज की तो खैर आलोचना हम उसमें नहीं कर सकते क्योंकि मोदी जी या कोई भी व्यक्ति है वो काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाता है जो देश के हित में होती है, फिर दूसरी सरकार आकर उनको पूरी तरह बदल देती है, खत्म कर देती है, तो देश के हित में जो इतना पैसा लगा हुआ है अब जैसे वो खराब हो जाता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा आपको, अटल जी की एक परियोजना थी भारत के जितने भी बड़े राज्य और बड़े ये हैं शहर हैं उनको गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्वाड्रेंगल टाइप का एक वो बना करके सड़कों का जाल बना करके जोड़ने की, जो क्रांति ला सकती थी अपने आप में सो फार एज रोड ट्रांसपोर्ट एंड इवन इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन वाज इन कंसीडरेशन। आप ही कहने का अर्थ है कि अगर उनको थोड़ा कार्यकाल और मिला होता तो वो योजना पूरी होती। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 10 साल तक उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिल्कुल मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि नई सरकार आके मतलब वो तो ये मान के चलती है कि दूसरे इंसान ने चाहे अच्छा काम ही शुरू किया है अगर हम उसको खत्म करेंगे तो भी क्रेडिट उसको मिलेगा, फायदा क्या है। जब तो मेरा क्या कहना है कि यदि थोड़े बड़े दिल से आदमी क्रेडिट शेयर करना शुरू करे, अनुपम ये क्या है कि हम जितने भी इंडियंस हैं ना सारे सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचते हैं, नेशनल करेक्टर बिल्कुल नहीं है, देश के बारे में कितने लोग सोचते हैं आप बताइए मेरे को। कांग्रेस की पॉलिसी क्या रही है, खाओ और खिलाओ। कांग्रेस ने कभी देश के बारे में नहीं सोचा कि कांग्रेस देश की सरकार नहीं है, मोदी जी देश के हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं इसलिए वो परेशान ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कांग्रेस की सरकार का अगर शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो क्या पीवी नरसिम्हा राव को आप उसी में गिन रहे हैं, क्या आप लाल बहादुर शास्त्री को भी उसी में गिन रहे हैं? नहीं नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं गिन रहा मैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है भाजपा आइडियोलॉजी के थे, वो पूर्णतः विरोधी थे आरएसएस के। मैं नरसिम्हा राव जी को नहीं गिन रहा, लेकिन आप ये देखिए ना, अब गांधी परिवार। अब आप देखिए जो कॉमनवेल्थ हुए थे हमारे कांग्रेस राज में हुए थे, चीजों को जो खरीदी गई जो किराए पे ली गई थी उनकी कीमत कितनी गुनी ज्यादा थी, क्या उन्होंने देश के बारे में सोचा? सबसे बड़ा चीज यही यहाँ पर यही उठती है चीज, इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक ट्रेडमिल जो है किराए पर ली गई जितने पैसे में उससे कम पैसे में उस ट्रेडमिल को खरीदा जा सकता है, ये सच है। सुरेश कलमांडी ने एक ट्रेडमिल लगवाई थी, एक 40-50 ट्रेडमिल का सेट लगाया था, इसमें हर ट्रेडमिल का किराया दिन का 1000 रुपये का था और वो करीब करीब 35-40 दिन तक थी ट्रेडमिल, और 35,000 रुपये में वही सेम ट्रेडमिल आप फर्स्ट हैंड खरीद करके नई लगा करके जब ख़त्म हो जाता है ये तो यहाँ के लोकल एथलीट्स के लिए छोड़ करके फैसिलिटी को एज इट इज जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया गया। देखिए आपकी बात उस पर अपनी जगह पर है, मेरा जो पॉइंट है आप मैं स्वयं को यहाँ पर तो निष्पक्ष तौर पर बैठा हूँ, आपके साथ भी मैं उसी तरह बात कर रहा हूँ जैसे इनके साथ, लेकिन संघी परिवार से हूँ, ठीक, आज से नहीं जनसंघ के ज़माने से संघी परिवार में हूँ, और मैं उसके बावजूद इस बात को बोलूँगा कि दिल्ली में यदि आप किसी से भी निकल के पूछ लें तो शीला दीक्षित से ज़्यादा काम दिल्ली की सड़कों पर निकल करके किसी दूसरे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, अगर देखिए अगर काम नहीं किया होता तो तीसरी या चौथी बार जनता किसको चुनती है, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया। मेरा अपना है ना, मैं मान के चलता हूँ झूठ की राजनीति आज बहुत अच्छी चलती है, आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, फिर भी मैं आज सवाल मेरा हमेशा से यही रहा किसी भी आम आदमी पार्टी सपोर्टर से, वो 40 पेजेस के जो डॉक्यूमेंट्स थे शीला दीक्षित के विरुद्ध वो कहाँ थे, वो तो हमें आज तक नहीं दे, या तो उसे अरबों करोड़ों में जो है अरविंद केजरीवाल ने बेच दिया कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस की बदनामी ना हो तो मेरी जेब में भी पैसा आ जाए, या वो थे ही नहीं और उस झूठ से वो इलेक्शन जीते। नहीं, दरअसल मैं आम आदमी का सपोर्टर नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी का, बल्कि उसी की अच्छे कार्यों को सपोर्ट कर रहा हूँ। सवाल ये उठता है, देखिए
अच्छे कार्यों में आता है सवाल, तो मैं भी अच्छे कार्यों को सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हर कोई आदमी अच्छे कार्यों को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि जो जो यही तो त्रासदी है इस मुल्क की, जैसा आप बता रहे हैं कि वी डोंट हैव अ नेशनल कैरेक्टर। हमारे पास व्यक्तिगत कैरेक्टर्स होते हैं। मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मेरे तेल की कीमत कहाँ जा रही है। यदि आप गाड़ी नहीं रखे हुए हैं तो आप बोलते हैं तेल की कीमत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दाल की कीमत क्या है। जो आदमी दाल नहीं खाता है, लेकिन ये नेशनल कैरेक्टर मैं बोलना चाहूँ कभी था। हाँ। जैसे मेरे को याद आता है कि मेरे पिताजी बताते थे कि एक बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब यंग थे, युवा थे, तो संसद में बहुत अच्छा बोला उन्होंने नेहरू जी के सामने, तो बाद में नेहरू जी ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि नौजवान तुम आज बहुत अच्छा बोल रहे। इसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार इंदिरा जी के कार्यों की तारीफ की। बांग्लादेश बनने पर उन्होंने कहा तो दुर्गा जी का अवतार है। तो इस प्रकार से एक एक उदारवादी जो राजनीति थी, आजकल एक दूसरे को जो गाली देने का प्रचलन है। अभी मैंने बीते दिनों एक नेता है, बहुत अच्छे मंत्री हैं वो, उन्होंने जो है इनको नाली का कीड़ा तक कहा राहुल जी को। तो ये शब्द, ऐसे शब्द अगर प्रयोग किए जा रहे हैं, सवाल है ये, तो बहुत ही ये शब्द तो दोनों तरफ से प्रयोग किए जा रहे हैं ना। मुझे याद है कि जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय सोनिया जी ने इनको कहा था मौत का सौदागर या समथिंग सिमिलर, मोदी जी को। फिर अभी कुछ ही दिन पहले केजरीवाल ने इनको पागल साइकोपैथ कहा था, मतलब मोदी जी को, ठीक है कि ये साइकोपैथ है, ये क्या सकता है, साइकोपैथी इज अ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिजीज, पागलपन। तो अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को पागल बोल सकता है ऑन रिकॉर्ड, तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई मंत्री किसी गैर मंत्री को, किसी एक राजनीतिक नेता को कुछ बोल रहा है, कौन सी बड़ी चीज है जो पदों की गरिमा नहीं रहेगी। ये तो बहुत बड़ी, तो व्यक्तिगत गरिमा कहाँ रहेगी। हाँ, ये बहुत बड़ी गिरावट आई है। कहा जाता है कि मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वही देखने को मिल रहा है कि किसी तरीके से कीचड़ उछाली जाए, दूसरे कैरेक्टर को कमजोर किया जाए, मोदी जी यदि कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो उसको डाउन किया जाए। लेकिन सवाल यही है, मोदी जी को अच्छा बुरा जो कहा जाए, सवाल हमेशा यही रह जाता है घुमा फिरा करके कि व्यक्ति जो कर रहा है उसका फल मिल रहा है कि नहीं। इनका कहना है फल मिलेगा, इनका कहना है फल मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का कहना है कि पेड़ ही नहीं है, पेड़ नहीं है। कुछ ये कह रहे हैं कि पेड़ लगा ही नहीं है, सिर्फ पेड़ के ऊपर भाषण दिया गया। इस डिपेंड द स्टेट ऑफ माइंड, समबडी, सम पीपल थिंक्स नेगेटिव, सम पीपल थिंक्स पॉजिटिव। ऐसा नहीं है, जब पेड़ लगा है पेड़ भी है और रिजल्ट भी आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा नहीं है नहीं आएगा। तो सवाल जो है, हम लोग दोबारा भी बात करेंगे इन लोगों से, और आज तो हमने बहुत संभाल करके जो है बातचीत की, क्योंकि हम पहली बार तीनों व्यक्ति साथ बैठ रहे थे, और इस पर भी हमने काफ़ी खुलकर बेबाक तरीके से बातचीत की कि आशाएं कहाँ हैं, हकीकत कहाँ है, किस तरफ जाएगा मुल्क, इसके बारे में जो है सोचना हमारा आपका काम है, सिर्फ नेताओं का नहीं है। अगर हम न सोचें, यदि हम जो है अपने वोट की कीमत न जानें, यदि हम अनर्गल बातों पर चलते रहें कि हम हिंदू हैं तो हम इसको वोट करेंगे, हम मुस्लिम हैं तो हम उसको वोट करेंगे, हम शेड्यूल कास्ट हैं तो हम इसको वोट करेंगे, अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो हम पूरे जीवन कभी किसी दूसरे मुल्क से आगे नहीं निकल पाएंगे। आज ज़रूरत है भारतीय होने की, न कि हिंदू होने की, या मुसलमान होने की, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होने की। जैसा कि इन दोनों व्यक्तियों ने हमें बताया कि राजनीति में आज वो बात नहीं रह गई है कि आदमी एक दूसरे के खुले कंठ से प्रशंसा कर सके, लेकिन आशा करते हैं कि वो दिन भी आएगा। आज के जो युवा हैं वो बहुत ही सजग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये हमारी जनरेशन का काम है कि हम अपनी बातें खुलकर, अपने दृष्टिकोण खुलकर रखें, क्योंकि इन्हीं दृष्टिकोणों को सुन करके, हमारी ही बातों को सुन करके आने वाली पीढ़ी जो अभी युवा है,
वो फैसला करती है कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है। ये बातें हमेशा उन्हें शिक्षक नहीं बताते, ये बातें हमेशा उन्हें नेता नहीं बताते, ये बातें उन्हें हमेशा टीवी और अखबार में नहीं बताते। कई बार हम जैसे लोग जो घर में बुजुर्गों की स्थिति में आ चुके हैं, जिनकी बातें अब जीवन के अपने उतार चढ़ाव से बनी हुई हैं, अखबारी या किताबी नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम किसी राजनीतिज्ञ को नहीं बुलाते या किसी राजनीतिक विशेषज्ञ को नहीं बुलाते। हम ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जो खुद उसको जी रहे हैं, उन बातों को जी रहे हैं जिन बातों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इन्हीं दृष्टिकोणों को लेकर के हम दोबारा भी आपके सामने आएंगे। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आपने समय बिताया, और भार्गव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा बातचीत करेंगे, और हम बातचीत करेंगे, ये आज हमें बड़ा अच्छा टॉपिक मिला है, आदमी की राजनीतिक परिस्थिति पर, की जो राजनीति में जो बड़े दिल वाले लोग हुआ करते थे, जो खुले कंठ से एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, वो कहाँ थे। हमारे अगले टॉपिक में हम इसी पर डिस्कस करेंगे, तब तक आप भी हमारा इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें वहाँ पे बगल में, जिससे कि अगली बार जब गोयल साहब और भार्गव जी हमारे साथ दोबारा बैठें तो ऐसा न हो कि आपको ढूंढना पड़े, यूट्यूब खुद ब खुद आपको बता दें कि हमारी बातें हो रही हैं।